हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको मटर के पराठे बनाना सिखाऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक कटोरी मटर लेंगे, धनिया पत्ता महीन कटा हुआ, लहसुन पेस्ट है, आधा चम्मच गरम मसाला है, रिफाइंड तेल है, सरसों तेल है, मिर्चा पाउडर है, हल्दी पाउडर है, नमक है, एक प्याज कटा हुआ है महीन चौकोर, एक हरी मिर्च कटा हुआ है, जीरा है, और 250 ग्राम आटे को गूंथ के रख लिए हैं। रोटी के लिए जैसा गूंथते हैं वैसा ही, तो चलिए शुरू करते हैं। मटर को हम मिक्सी में चला लेंगे, इसको बारीक पीस लेंगे। एक चम्मच पानी देके इसको हम बारीक पीस लेंगे। देखिए हमारा पेस्ट इस प्रकार का होना चाहिए। अब हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें हम तेल डालेंगे, और तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम जीरा डाल देंगे। जीरा जब हमारा चटकने लगेगा तो इसमें हम प्याज जो काट के रखे थे उसको डाल देंगे और गुलाबी होने तक भूनेंगे। प्याज हमारा गुलाबी हो चुका है। इसमें हम एक हरी मिर्च जो काट के रखे थे उसको डाल देंगे। फिर इसमें हम लहसुन पेस्ट डाल देंगे एक चम्मच। लहसुन पेस्ट डाल के और हल्का पानी देके इसको हम भूनेंगे। फिर इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच मिर्चा पाउडर डाल देंगे और हल्का पानी फिर से देंगे, नहीं तो मसाला जल जाएगा। इसको धीमी आंच पर भूनेंगे। फिर हम इसमें गरम मसाला पाउडर था वो डाल देंगे और फिर भूनेंगे इसको। अब इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे। नमक डाल के चलाएंगे। ये हमारा मसाला भून चुका है, अब इसमें मटर जो पीस के रखे थे उसको डाल देंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। भूनने के बाद जब ये सूख जाएगा तो इसको हम अलग एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए मटर हमारा सूख चुका है। हम गैस बंद कर देंगे और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। फिर इसमें हम धनिया पत्ती डाल देंगे जो काट के रखे थे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको साइड में रख देंगे। अब हम गैस पे तवे को चढ़ाएंगे और तवा गर्म करेंगे, वहाँ आटे की लोई बनाएंगे। इसमें मटर वाला स्टफिंग हम डालेंगे। इसका मुंह बंद करके सूखा आटा लगा के रोटी की तरफ बेलेंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है। तवे पे पराठा डाल देंगे, फिर दूसरा इसी बीच में हम बना लेंगे। इधर हम पराठे को पलट देंगे, इधर हम दूसरा बना लेंगे। बीच बीच में देखते रहेंगे। दूसरा भी पराठा हम बेल चुके हैं। देखिए ये पीछे की तरफ से हमारा सीख चुका है। अब इसमें हम तेल लगा देंगे। तेल लगा के दोनों तरफ से हम अच्छी तरह से सेक लेंगे। पराठा हमारा दोनों तरफ से सिक चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे।
दूसरा पराठा भी हम इसी प्रकार से बना लेंगे। ये पराठा चटनी और रस वाली सब्जी के साथ बहुत अच्छा लगता है। सारा पराठा हम इसी प्रकार बना लेंगे। अब गैस को हम बंद कर दिए। सारा पराठा हमारा सिक चुका है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।